जब मैं यहाँ पे पहली पहली बार पीडब्ल्यू में वो देने आया था डेमो, आपके दिमाग में ये चलता है कि रिजेक्ट ना हो जाओ, रिजेक्ट ना हो जाओ, रिजेक्ट ना हो जाओ। उसने बोला ये तो गड़बड़ है, इसमें एनर्जी नहीं है, ऐसे जो लिख रहा हूँ वो गायब ही हो जा रहा है पैकेज। जब मैं यहाँ पे पहली पहली बार पीडब्ल्यू में वो देने आया था डेमो, तो भैया मुझे बोला कि कुछ पढ़ा के दिखाना है। ठीक है भाई, टॉपिक तैयार करके आया, बढ़िया से प्रेजेंट करना है, तो मैं ये वाला सवाल है और ये सब, मतलब कि परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालने वाली चीज़ें, ठीक है हाँ। तो वो मैं तैयार करके आया और मैं जयपुर से ट्रैवल करके आया था गाड़ी से, यहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो गया, थक गया। फिर ये स्क्रीन और ये सब पहली बार देखे थे, इस पे चलाना या वो लिखना नहीं आता था, क्योंकि इसमें पहली बार लिखते हो ना तो कभी आपका ऐसे हाथ भिड़ता है, ध्यान रखना। ऐसे जो लिख रहा हूँ वो गायब भी हो जा रहा है। फिर मान लो कुछ बढ़िया से जमा के लिखा, फिर उसको ऐसे इरेजर इरेजर से ला रहा हूँ तो पूरा ही डिलीट हो जा रहा है। यार ये अच्छी समस्या है। तो रात को किया डेमो रिकॉर्ड, हाँ अच्छे से पूरा जान लगा के, समझ रहे हैं ना आप। उस तरह बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी स्टिफ थी। अब तो क्या है, पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो गया तो थोड़े कैजुअल हो गए, तो वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की। अब जब आप डेमो वेमो कहीं देते हो तो उसके बाद में बस आपके दिमाग में ये चलता है कि रिजेक्ट ना हो जाओ, रिजेक्ट ना हो जाओ, रिजेक्ट ना हो जाओ। वो वीडियो अलग सर तक पहुँची, बहुत लेट पहुँची। उससे पहले मैंने अपने दोस्तों को दिखाई, मेरे दोस्त जो यहाँ पे काम करते थे पहले से, MR सर हैं और आदित्य सर हैं, आदित्य आनंद सर। मैंने बोला भाई देखो, बोले कि एक ने बोला ठीक है, दूसरे ने बोला ये तो गड़बड़ है, इसमें एनर्जी नहीं है। वो वीडियो अलग सर तक पहुंची, बहुत लेट पहुंची। उससे पहले मैंने अपने दोस्तों को दिखाई, मेरे दोस्त जो यहाँ पे काम करते थे पहले से, MR सर हैं और आदित्य सर हैं, आदित्य आनंद सर। मैंने बोला भाई देखो, बोले कि एक ने बोला ठीक है, दूसरे ने बोला ये तो गड़बड़ है, इसमें एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी वो कैसी होती है, बोले एनर्जी मतलब ऐसे आवाज में दम होना चाहिए, मतलब यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैं कहा एक तो पहली बार इस बवाल पे लिख रहा हूँ और दूसरा कॉन्फिडेंट। मैं कहा यार अब रात के वो वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग खाने चले गए थे, कुछ एक बज गया रात का। अब जैसे ही बोला एनर्जी लाओ, और सुबह अगले दिन मेरी वापस जयपुर क्लास थी। मैंने कहा यार ये अब वापस रिकॉर्ड करवाओगे क्या? मैंने कहा यार छोड़ो, ठीक है अपनी एनर्जी ऐसी है, अब किसी को पसंद करना होगा कर लेगा, वरना फिर अब क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे तो ऐसा नहीं पता था ना कि आगे चलकर ऐसे ग्राफ बनने वाला है, डोंट नो दैट। तो वो वीडियो गई अलग सर तक। फिर बाद में मेरे पास, मैं दो तीन दिन तक वेट करता रहा कि क्या रिस्पांस है भैया बताओ, मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैं समझ गया शायद रिजेक्ट हो गया हूँ, नहीं पसंद आया होगा उनको। फिर आया मेरे पास कॉल कि हाँ ठीक है, हमें वीडियो ठीक ठाक लगी। मैं कहा ठीक है भाई, ठीक ठाक लगी। तो बोले आप ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए यहाँ पे पढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में मुझे फिर एक दिन कभी, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे ज्वाइन करते, फिर मुझे अलग सर मिले। मैंने कहा सर आपको वीडियो कैसी लगी थी? बोले कौन सी वीडियो? मैं कहा मेरी वीडियो डेमो। बोले वो? मैं कहा हाँ। बोले अच्छी थी? अब वो शायद मेरे को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं जो भी। मैंने कहा मेरे पास तो ये रिपोर्ट आई है कि आपको अच्छी नहीं लगी। बोले ये कौन मास्टर है, इसको काहे ले लिया? बोले जमा नहीं। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मैंने कहा सर कैसा था? बोले हाँ मतलब ठीक था, मेरे पास ये रिव्यू आया कि ठीक है चलो बच गए, वरना कोई रिजेक्ट कर देता तो बोले आज तो पैकेज। लड़की से उसकी उम्र और लड़के से पैकेज नहीं पूछा जाता है बेटा, क्योंकि जिस उम्र में वो कमाना स्टार्ट करता है वो अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा होता है, समझ में आया? तो नहीं पूछनी चाहिए। और लड़की से उम्र क्यों नहीं पूछनी चाहिए सर, पूछ के देख लेना।